मैं अभिषेक सिंह, मैं वाराणसी से हूँ। वाराणसी से अभिषेक जी, आप ये सब कुछ लेके ही बैठे हैं जी सर, तो कुछ रिपेयरिंग कर पाए हैं यहाँ पे आप? सर मेरे को जितने भी वॉशिंग मशीन या फिर जो भी बोर्ड मिले, मैं 110% में वो करता हूँ कि मैं इसको रिपेयर करके ही दूंगा। और किया भी है यहाँ पे? सर मैंने किया ही है। किया है जी? हाँ सर, जैसे देखने वाली चीजें हैं, इस मैंने बोर्ड को रिपेयर किया, इसमें मुझे मिली स्विचर आईसी खराब थी अपनी, इसके बाद कैपेसिटर्स थे, इसके बाद हमारा रजिस्टर था और एमओवी भी शॉर्ट था, जैसे कि हमने पार्ट यहाँ निकाल के रख रखे हैं। कंपोनेंट्स जो है, कंपोनेंट्स अगर मान लीजिए कंपोनेंट्स भी लगभग हमारे सर्विस सेंटर में जितना हो सकता है उतना हम ला के रखे रहते हैं, और आगे भी आपका सपोर्ट रहेगा आप लोगों का कि कंपोनेंट भी हमारा प्रॉपर तरीके से, तो मतलब कंपोनेंट में जो फॉल्ट आया उसको रिपेयर कर दिया आपने सारा? जी हाँ सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने रिपेयर किया। कैसा रहा सर फ्रिज वॉशिंग मशीन आपका? सब बढ़िया रहा, बेस्ट रहा। 12 PCB मैं भी रिपेयर कर चुका हूँ। 12 PCB आप भी रिपेयर कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। 12 PCB में आपका फ्रिज वॉशिंग मशीन भी था? यस सर। नमस्कार दोस्तों, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आज मेरे साथ आशुतोष सर हैं, और आज मैं जो क्लास है ये हमारा ये है वॉशिंग मशीन और फ्रिज प्लस माइक्रोवेव का, वॉशिंग मशीन फ्रिज माइक्रोवेव पीसीबी रिपेयरिंग का क्लास है जो अभी आज ख़त्म हो रहा है, नहीं सर ख़त्म हो रहा है। तो इन स्टूडेंट से हम अपने जो हमारे पास कर रहे हैं इनसे हम फीडबैक लेंगे कि किस तरीके से वॉशिंग मशीन फ्रिज और माइक्रोवेव का जो ओवन कहते हैं उसका पीसीबी का किस तरीके से कोर्स कंप्लीट हुआ, क्या क्या इन्होंने सीखा, किस तरीके से रिपेयरिंग किया यहाँ पे, तो ये सारा हम अपने स्टूडेंट से ही जानेंगे आज। तो सर कितने दिन से ये क्लास चल रहा था? सर ये क्लास लगभग हमारा 25 दिन से चल रहा था, और जैसा कि हमारा ये क्लास जो है फ्रिज वॉशिंग मशीन माइक्रोवेव का है, इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन कंप्लीट कॉम्बो पैक होता है, तो उनका कभी कभी होता है जैसे कुछ स्टूडेंट्स का जल्दी होता है कि सर मुझे जल्दी जाना है, 2 महीने में जाना है, 3 महीने में जाना है, तो हम उनका क्या करते हैं 2 घंटे का अलग एसी का चलता है और उसके बाद 2 घंटे का अलग हमारा फ्रिज वॉशिंग मशीन का चलता है। 4 घंटे का टोटल बैच, बिल्कुल 4 घंटे का हमारा टोटल बैच चलता है, और उसके बाद ही हमारे जो ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं जिनको कोई भी नॉलेज नहीं होता है, तो हम उनको बेसिक तौर पर जैसे आप देख सकते हैं हमने जो डिस्प्ले बनाया हुआ है यहाँ पीछे बैक साइड, हाँ डिस्प्ले आप देख सकते हैं, उस डिस्प्ले के थ्रू समझाते हैं क्योंकि वायरिंग जो बेसिक है ना, सबसे पहले हमारा जो आता है वायरिंग आता है, तो इसमें हम बेसिक तौर पे बताते हैं। यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन का पूरा वायरिंग समझाए हुए, एसी का पूरा वायरिंग, एसी का, वॉशिंग मशीन का, अभी हम फ्रिज का भी डिस्प्ले लगाने वाले हैं। मींस कि अगर आपको मैकेनिकल में वायरिंग नहीं भी पता है तो यहाँ पे आपको वायरिंग बता दिया जाएगा कि ऐसे वायरिंग किया जाता है, उसके बाद फिर पीसीबी आप स्टार्ट। फिर हम वापस हम पीसीबी पे आते हैं क्योंकि मेन यही है, वॉशिंग मशीन का पीसीबी रिपेयर करना काफी टफ है, लेकिन हमारा जो क्लास जो चल रहा है ये प्रैक्टिकल तौर पे चला है कि नहीं आप लोग क्लास? यस सर। तो ये जो क्लास चला है पूरा प्रैक्टिकल तौर पे चला है, और हमारे स्टूडेंट पीसीबी रिपेयर भी किए हुए हैं इसमें। चलिए हम आपके स्टूडेंट से ही जानते हैं कि किस तरीके से क्या क्या हुआ और कहां से है, ये सारा चीज मैं अपने जो मल्टीटेक के स्टूडेंट से इनसे ही जानते हैं कि किस तरीके से ये हमारा वॉशिंग मशीन फ्रिज का क्लास चला। मैं सबसे पहले आपके पास आता हूँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपी सर। गोपी सर कहाँ से है गोपी जी आप? आंध्र प्रदेश से। जो मल्टीटेक में आपने क्लास किया एसी का तो कर लिया ही होगा आपने, वॉशिंग मशीन फ्रिज का स्पेशली मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कैसा क्लास हुआ आपका? बहुत अच्छा सर। कोई दिक्कत समस्या ऐसा तो नहीं कि इसमें डायग्राम नहीं समझ में आया या कुछ लगा कि नहीं ये तो टफ है ये नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ? कुछ भी नहीं सर, 100% आंध्रा के हैं आप? यस सर। आंध्रा से और भी लोग होंगे यहाँ पे? बहुत है सर, बहुत सारे लोग हैं। तो आंध्रा से हैं, और आंध्रा से यहाँ तक आने में जो है मल्टीटेक के बारे में कैसे पता चला था आपको? मेरा दोस्त मेरे को रेकमेंड किया। अच्छा, यहाँ का रिकमेंड आपके दोस्त ने किया था कि जाके आप मल्टीटेक से पीसीबी का सीख सकते हैं। वैसे सब चीज क्लास आपका प्रॉपर चला, कोई दिक्कत? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मल्टीटेक को इतना सपोर्ट किया। थैंक यू सर। चलिए आशुतोष सर के लिए भी तालियां। जो मैं अपने अब नेक्स्ट स्टूडेंट के पास चलता हूँ, इनसे जानता हूँ कि किस तरीके से फ्रिज वॉशिंग मशीन इन्होंने सीखा। कहाँ से हैं सर आप? आंध्र प्रदेश। आप भी आंध्र, साथ में ही आए थे आप लोग? अलग अलग आए। अलग अलग। कैसा रहा सर वॉशिंग मशीन फ्रिज किस तरीके से सिखाया गया आपको यहाँ पे? अच्छा सर, बहुत अच्छा। पीसीबी में सब चीज कुछ रिपेयरिंग देखा आपने कैसे वॉशिंग, क्योंकि वॉशिंग मशीन में बहुत ज्यादा मतलब ये टफ काम होता है ये ग्लू निकालना, किस तरीके से ग्लू निकाल के फिर इस पे वर्क करना, ये सारा चीज आपने देखा? सर पावर सेक्शन एंड आईपीएम सेक्शन सब कुछ ऑल सेक्शन सर क्लियरली एक्सप्लेन प्लस फ्रिज का भी? फ्रिज आल्सो सर, फ्रिज एंड आज
बोर्ड चल रहे सर, दूसरा देश में फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन हो गए सर। क्या कहना चाहेंगे अगर कोई मल्टीटेक में आना चाहे, आंध्रा से हो या केरला से हो, आपके साइड साउथ साइड से, क्या कहना चाहेंगे मल्टीटेक में आना हो तो आप तेलुगु में भी बोल सकते हैं। मैं यूट्यूब लो वीडियोस चूसे वच्चन सर का आंध्र प्रदेश नुंचे तुने ఇక్కడ మల్టీటెక్ లో మొత్తం 3 ఛానల్స్ ఉన్నాయి. 3 ఛానల్స్ లోనే ఆల్ వీడియోస్ కవర్ చేసి మొత్తం నేను ఏసీ వీడియోస్ అన్ని చూడడం జరిగింది. ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్నది చాలా క్లియర్గా ఉంది ఇక్కడ మల్టీటెక్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి. అందుగురించి ఇంకా వేరే ఇన్స్టిట్యూట్ ఏమి చూడకుండా డైరెక్ట్గా మల్టీటెక్ ఇన్స్టిట్యూట్కి నేను ఢిల్లీ రావడం జరిగింది. ఐసా తో నీ లగా నా కి యహా పే హిందీ బోలా జాతా హై యా థోడా సా ఇంగ్లీష్ మే హోతా హై, ఆప్ తెలుగు జాంతే హో तो कोई दिक्कत आई होगी कि नहीं यहाँ तो भाषा मतलब लैंग्वेज इशू, ऐसा कोई बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं आया होगा? थोड़ा दिक्कत है सर बट लेकिन प्रैक्टिकली आप समझ, प्रैक्टिकली पूरा समझ नहीं। यहाँ पे साउथ के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपको कुलीग भी मिल जाएंगे अगर आपको लग रहा होगा कि लैंग्वेज के चलते हम दिल्ली नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, आप कोई भी लैंग्वेज जानते हो, तेलुगु जानते हो, कन्नड़ जानते हो, यहाँ पे आओ, आपको प्रैक्टिकली सब चीज समझाया जाएगा और आपको समझ में भी आएगा जैसे ये लोग समझ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कहाँ से हैं सर? आंध्र प्रदेश। आप भी आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश कड़पा। अच्छा, कैसा रहा आपका यहाँ पे, कैसा सिखाया गया? सर बेसिक से सबको सिखाया गया सर, जैसे कि छोटे बच्चे को समझाते हैं वैसे समझाया गया सर। सर ने किस तरीके से प्रैक्टिकल कराया, कुछ प्रैक्टिकली आपने देखा सारा चीज? सारा सिखाया है, पीसीबी हमारे हाथ को देखे ऑनबोर्ड करवाना सिखाया है। ऑनबोर्ड पूरा प्रैक्टिकल देखा है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी आंध्रा से हैं? आंध्रा से हैं। कुछ आप फीडबैक देना चाहेंगे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के बारे में? जो कोई सीखना चाहता है इधर आके सीख सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सर क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज नायडू रावत सर। नायडू रावत। यस नायडू जी, किस तरीके से मल्टीटेक इंस्टीट्यूट ने आपको फ्रीज वॉशिंग मशीन का, क्योंकि एसी का तो ऑलरेडी आपने कर रखा है, आपने आपका पहले से भी रिव्यू का शायद बना भी होगा, फ्रीज वॉशिंग मशीन के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ, कैसा रहा आपका, किस तरीके से सिखाया? यस सर, मल्टीटेक इज गुड परफॉर्मेंस एंड आल्सो गुड एक्सप्लेनेशन एंड आई एम बिफोर एंड बेसिक नॉलेज जीरो सर। कहाँ से हो आप वैसे? आई एम ऑल्सो आंध्र प्रदेश फ्रॉम अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट सर। ओके ओके, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इफ एनी बॉडी कम्स? वी ऑलवेज कम टू इन मल्टीटेक फर्स्ट प्रेफरेंसी, वी आर वेरी एक्सलेंट लर्निंग एंड ऑल्सो कॉम्पोनेंट्स ऑल्सो गुड। सो अक्सर सर ऑल्सो ऑन एग्जाम्पल सर, वी डोंट नो इन द राइस राइस इन स्मॉल टू वॉट एवर यू वॉट टू मेकिंग 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 एंड फाइनली राइस मेकिंग लाइक दैट इज स्टडिंग द मीन्स इन आवर मल्टीटेक इंस्टीट्यूट। यू हैव सीन दैट देयर आर सो मेनी टीचर्स अवेलेबल फॉर एवरीथिंग लाइक कंपोनेंट्स, फॉर कंपोनेंट्स अदर टीचर्स सर आल्सो, फॉर कंपोनेंट्स राजेश सर इज आल्सो अवेलेबल, फॉर फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन अशोक सर इज अवेलेबल, फॉर एसी विवेक सर इज अवेलेबल। यस सर, व्हाट अबाउट ऑल टीचर? यस सर, 100 टू 100 मार्क्स वी आर गिविंग टू द टीचर्स, वेल गुड डाउन एंड आल्सो वेरी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स। यू हैव डन रिपेयरिंग ऑफ एनी पीसीबी हियर? यस सर, यस सर, वी आर बिफोर द ऑन ट्रैकिंग टू फ्रिज रिपेयर। ओके, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। अब मैं अपने नेक्स्ट स्टूडेंट के पास चलता हूँ इस वॉशिंग मशीन फ्रिज में ही, कि बहुत सारे अभी हमारे स्टूडेंट्स अलग अलग सिटी से हैं, तो वीडियो थोड़ा बड़ा होता है लेकिन आपको ये सब देखना चाहिए कि किस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे कर रहे हैं और क्या फीडबैक शेयर कर रहे हैं मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के बारे में। और आप ये सारा चीज़ देख के अगर यहाँ पर आते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा आपको फीडबैक लेना है, स्टूडेंट से लाइव भी आके ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कैसा हुआ कोर्स, काउंसलिंग में आप डेमो क्लास ले सकते हैं विवेक सर का, अस्तोष सर का, और भी बहुत सारे सर हैं, किसी का भी आप डेमो क्लास ले सकते हैं। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि मल्टीटेक इंस्टीट्यूट से क्यों करना चाहिए एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन का कोर्स। मैं अब अपने इनके पास, सर कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम मोहम्मद मुमताज हुआ, मैं बिहार से हूँ। बिहार से? कहाँ से बिहार में सर? समस्तीपुर से। समस्तीपुर से, तो बिहार से दिल्ली तक का सफ़र जो आपने किया उसमें मल्टीटेक साथ रहा आपका, और किस तरीके से पूरा कोर्स कंप्लीट हुआ आपका? सर वैसे तो मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। अच्छा, रहने वाला बिहार का हूँ। हाँ जी, हाँ जी, तो दिल्ली है तो आपके लिए और बेटर रहेगा कि आप कभी भी आ सकते हैं, दूर वालों को थोड़ा सा दिक्कत आती है लेकिन आप कभी भी। कैसा रहा सर फ्रिज वॉशिंग मशीन का? अच्छी रहा सर, कोई दिक्कत समस्या नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि कुछ कहना चाहेंगे मल्टीटेक में कोई आना चाहे अगर सीखने के लिए? सर बहुत अच्छा यहाँ पे सिखाते हैं, प्रैक्टिकल भी थ्योरी भी दोनों सिखाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप कहाँ से हैं? ये सर मैं दिल्ली से। दिल्ली से, तो पहले से आप काम करते हैं पीसीबी का? हाँ सर, पहले करता था। क्या काम था आपका?
ये नहीं था, मेरा अलग काम था इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो आपको तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पहले से पता भी होगा, बहुत सारी चीजें मालूम था, देखो इधर पे आके और भी नॉलेज। और भी कैसा रहा, आपने फ्रिज भी सीखा, वॉशिंग मशीन भी देखा, एसी भी सीखा होगा, किस तरीके से वॉशिंग मशीन फ्रिज कराया गया आप? बहुत बढ़िया तरीके, जीरो से लेके, जीरो से लेके ए टू जेड। हां, क्योंकि मेन तो फिर आप जाओगे काम करोगे तो उसके लिए सपोर्ट के लिए हम होंगे, कोई दिक्कत आएगी, समस्या आएगी तो आप। अच्छा, इस जो बैच है इसमें से किसी ने खुद से भी रिपेयर किया है? Yes, कितने बोर्ड रिपेयर किया होगा आपने? सर, कम से कम 30। चलिए बहुत बहुत इसके लिए कि आप, क्योंकि मेन प्रैक्टिकल होता है। आप यहाँ पे क्या फ्रिज वॉशिंग मशीन का बोर्ड खुद से रिपेयर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, यहीं पे आप टेस्ट कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि सब रिपेयर ही हो जाएगा, लेकिन दो चार पाँच तो रिपेयर करके देखना चाहिए। वायरिंग भी, बेसिक चीजें भी हमने दिखाया कि वायरिंग भी, क्या कहना चाहेंगे सर हमारे इधर का एटमॉस्फेयर भी अच्छा और टीचर भी बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद टीचर के लिए भी। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? मैं सर बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? छपरा जी डिस्ट्रिक्ट, छपरा में है। कहाँ मतलब क्या, आप पहले से कुछ जानते थे या? नहीं सर, बिल्कुल जीरो। जीरो से अब क्या लग रहा है, कितना परसेंट तक कर सकते हैं? अब तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो गया है कि कर सकते हैं, कर सकते हैं काम। क्या कहना चाहेंगे, बिहार से अगर कोई देख रहा है उसको मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आना चाहता हो तो क्या उनको आश्वासन दे सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे सारे अच्छे हैं, सर भी अच्छे से पढ़ाते हैं, पूरा समझाते हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मल्टीटेक इंस्टीट्यूट पे भरोसा किया। सर आप कहाँ से हैं? सर हम बलिया से हैं। बलिया से, बलिया में कहाँ से? क्योंकि बलिया से हम भी हैं, बार बार हम बलिया वालों के लिए वो हो जाता है। बलिया में हम सर अखार से हैं। अखार से, कैसा रहा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में? सर अच्छा रहा, सर भी बलिया के हैं। सर भी बलिया का, मैं खुद भी बलिया का हूँ। तो फ्रिज वॉशिंग मशीन की बात करें, अगर वॉशिंग मशीन और फ्रिज की, तो किस तरीके से इसमें सिखाएगा पीसीबी? सर अच्छे से सिखाएं सर, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं? बलिया वालों को अगर आना हो तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यही कहेंगे कि आइए, आपका स्वागत है ये मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कहाँ से हैं सर? मैं बिहार से। बिहार में कहाँ से? दरभंगा जिला। दरभंगा, देखिए यहाँ पे आप देखे होंगे, कई सारा हमारा वीडियो देखते होंगे पीछे भी क्लासेस का, या हर स्टेट और हर डिस्ट्रिक्ट के लोग मिलेंगे, वो साउथ से हो, नॉर्थ से हो, ईस्ट से, कहीं से भी, हर एक जगह के लोग यहाँ पे मिलेंगे। तो ये कभी नहीं सोचना है कि दिल्ली दूर है, यहाँ पे आने पे ऐसा कुछ दिक्कत होगा, कुछ भी नहीं। यहाँ पे आराम से आप रह के प्रॉपर तरीके से सीख सकते हैं, हर जगह के स्टूडेंट मिलेंगे आपको। क्या रहा सर, कैसा रहा वॉशिंग मशीन? सही रहा सर, ए टू जेड सब कुछ समझाए, सब चीज समझाए, टू वीडियो सब, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कहाँ से हैं सर? जी सर हम यूपी से। यूपी में कहाँ से हैं? देवरिया जिला। देवरिया से हैं, तो देवरिया में पहले से कुछ काम था या? नहीं सर, फ्रेशर थे। जी सर। अब कितना लग रहा है सीख चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप तो गुजरात से हैं, पहले ही मिले हुए हैं, कैसा रहा फ्रिज वॉशिंग मशीन के बारे में? क्या वॉशिंग मशीन बेसिक की तरह एकदम बढ़िया ही है मेरा, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं? प्रॉपर कर सकते हो आप? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कहाँ से हैं? सर मैं अभिषेक सिंह, मैं वाराणसी से हूँ। वाराणसी से अभिषेक जी, आप ये सब कुछ लेके ही बैठे हैं जी सर, तो कुछ रिपेयरिंग कर पाए हैं यहाँ पे आप? सर मेरे को जितने भी वॉशिंग मशीन या फ्रिज जो भी बोर्ड मिले, मैं 110% में वो करता हूँ कि मैं इसको रिपेयर करके ही दूंगा। और किया भी है यहाँ पे? सर मैंने किया ही है। किया है जी। हाँ सर, जैसे देखने वाली चीजें हैं, इस मैंने बोर्ड को रिपेयर किया, इसमें मुझे मिली स्विचर आईसी खराब थी अपनी, इसके बाद कैपेसिटर्स थे, इसके बाद हमारा रजिस्टर था और एमओवी भी शॉर्ट था, जैसे कि हमने पार्ट यहाँ निकाल के रख रखे हैं, कंपोनेंट्स जो है। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स अगर मान लीजिए कंपोनेंट्स भी लगभग हमारे सर्विस सेंटर में जितना हो सकता है उतना हम ला के रखे रहते हैं, और आगे भी आपका सपोर्ट रहेगा आप लोगों का कि कंपोनेंट भी हमारा प्रॉपर तरीके से, तो मतलब कंपोनेंट में जो फॉल्ट आया उसको रिपेयर कर दिया आपने सारा? जी हाँ सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने कुछ रिपेयर किया। क्या कहना चाहेंगे अगर कोई आना चाहे मल्टीटेक में, यूपी बिहार कहीं से भी? सर बिल्कुल बेशक आ सकता है, जैसे कि हम भी यूट्यूब पे ही देख के मल्टीटेक पहुंचे थे, फिर यहाँ आने के बाद सर की क्लासेस लिए, जो कि हमको कुछ भी नॉलेज नहीं थी, सर ने मुझे ऐसा बताया कि मुझे अब कोई भी पीसीबी में कुछ भी नहीं दिखता कि 110% वो रिपेयर होके ही रहेगी, फ्रिज वॉशिंग मशीन भी प्रॉपर तरीके से प्रॉपर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मल्टीटेक पे आपने भरोसा किया, आगे भी हम सपोर्ट देते रहेंगे, अगर कोई दिक्कत समस्या होगी तो आप कॉल ले सकते हैं, फिर से मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। ओके सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहाँ से हैं सर आप, क्या नाम है आपका? जलगांव महाराष्ट्र, उमर शेख।
अच्छा, जलगांव महाराष्ट्र से आप, महाराष्ट्र से भी बहुत लोग आते हैं हमारे मल्टी टेक इंस्टीट्यूट में अलग अलग कोर्सेज के लिए। अगर कोर्स की बात करें तो हमारे यहाँ आपका एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के अलावा भी ईवी का हम कोर्स कराते हैं, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, इन सब चीज़ों का भी कोर्स कराते हैं। वो भी करना चाहें तो आप आ सकते हैं। कैसा रहा सर फ्रिज वॉशिंग मशीन आपका? सब बढ़िया रहा, बेस्ट रहा। 12 पीसीबी मैं भी रिपेयर कर चुका हूँ। 12 पीसीबी आप भी रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही। 12 पीसीबी में आपका फ्रिज वॉशिंग मशीन भी था? यस सर, दो फ्रिज के पीसीबी, दो फ्रिज के पीसीबी। मेन होता है रिपेयरिंग, अगर यहाँ पे एक पीसीबी आपने अगर खुद से रिपेयर कर दिया तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि हाँ मैंने खुद से रिपेयर किया और जाके मैं कर सकता हूँ। तो आगे आप लोग भी अगर क्लास लें तो खुद से यहाँ पे एक दो पीसीबी रिपेयर करके जाओ, टाइम का कोई इशू नहीं। हमारा खुद का सर्विस सेंटर भी है, वहाँ पे बैठने की व्यवस्था होती है, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस खुद से आप कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर अगर कोई महाराष्ट्र से आना हो यहाँ पे? सब बेस्ट है सर, और टीचर लोगों का हैंड सपोर्ट बहुत बढ़िया है। अगर आप पीछे कुछ छूट गए, आपको नहीं समझ रहे तो फिर से समझा देंगे। अगर आगे का आपको कुछ पूछना है, अगर आपका नहीं भी हुआ तो वो भी बता देंगे। और एक सपोर्ट, ये पीछे की जो बात की है, इसके लिए एक हमने और सुविधा दे रखा है कि हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी है जो हमारे मल्टी टेक इंस्टीट्यूट के ऐप पे अवेलेबल है। तो वो भी अगर रिविजन के तौर पर आपको चाहिए तो अपने टीचर से कॉन्टेक्ट करके वो ले सकते हैं, उसमें सारा क्लास हमने डाल रखा है। मैंने ऑलरेडी परचेज किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मल्टीटेक पे आपने भरोसा किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सर कहाँ से हैं? सर मैं उत्तराखंड नैनीताल से हूँ। क्या नाम है आपका? सुमित शर्मा नाम है सर। सुमित जी, पहले से आपका काम है, आप फ्रेशर है आप? नहीं सर, जीरो लेवल से था। जीरो, अब क्या लग रहा है, कितना कर पाएंगे सर? अभी तो 99% कर सकते हैं। 99% कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे अगर उत्तराखंड से कोई मल्टीटेक में आना चाहे? जरूर आए यहाँ पर, एक बार डेमो क्लास लेकर देखें, यहाँ पर काफ़ी अच्छा सिखाया जाता है। हर सेक्शन को यहाँ पर डायग्राम और विद प्रैक्टिकल के साथ सिखाया जाता है यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारा था वॉशिंग मशीन फ्रिज का बैच जो कंप्लीट हुआ। इनसे हमने जाना कि किस तरीके से इन्होंने कोर्स किया, कैसा रहा मल्टी टेक इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आएंगे किसी और कोर्स के साथ या किसी और टॉपिक के साथ। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।